बना रही हूँ, शकरकंदी। ये बिल्कुल बाजारी स्टाइल में बनाऊंगी मैं इसको, जैसे कि आपको राख में से कीवी मिलती है ना, इसी तरह से मैं बनाऊंगी। ये देखिए मैंने शकरकंदी ले ली है, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है, मिट्टी सारी हटा दी है मैंने। अब मैंने ये तवा रख दिया है, ये प्री हीट हो चुका है तवा हमारा। ये देखें, ये मैं इस तरह एक एक शकरकंदी इस पे रख दूंगी और मैं इसी साइज का, जैसा पतीला आपके घर में जो भी हो इसी साइज का हो तवे जैसे, ताकि ना साइडों से मतलब भाप ना निकले। ये देखें, ये मैंने फिक्स पतीला लिया है, ये देखें इस तरह मैंने फिक्स कर रखा है पतीला। और इसकी मैं आग में बिल्कुल स्लो से थोड़ा सा तेज रखूंगी, बस ना बिल्कुल स्लो नहीं होगी दम वाली आग से थोड़ा सा तेज रखूंगी आग को। और मैं आपको फिर 5-10 मिनट के बाद फिर दिखाती हूँ, इसको उलट पलट करना है 10 मिनट तक इसको ऐसे ही सिकने। ये देखें, इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, इसे मैंने बीच में भी पलटा था एक दफ़ा, अभी भी देखें पलटे ऐसे, जैसे देखें थोड़ी सॉफ्ट होने लग गई है, लेकिन इसे टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसको पलट देते हैं हम कितना, ये तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। ये अभी भी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है, देखें। अब मैं फिर ढक देती हूँ इसको, आप थोड़ी मतलब 5-5 मिनट के बाद चेक कर लिया कीजिए कि कितनी, ऐसा तो नहीं कि जल रही है, ठीक है। इसको फिर मैं ढक रही हूँ, इसे मैं फिर ढक रही हूँ, इसको मैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ, लेकिन बीच में मैं एक दफ़ा और पलटूंगी इसको, ठीक है। देखिए मैं अब पतीला हटा रही हूँ, इसके कंडीशन क्या है अब ये देखिए, ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये देखें हो चुकी है, ये देखें छुरी कितनी ईजीली चली जा रही है, ये सब जगह से सिक चुकी है। मैंने ये अभी दोबारा भी इसको 5 मिनट के बाद हटाया था, ये तकरीबन इसके 40 मिनट्स हो चुके हैं ये बनते हुए, मतलब वीडियो बड़ी हो जाती है इस वजह से मैं शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रही थी। ये देखें, ये हर जहाँ से भी डालें आप देखें ये तक पक चुकी है बिल्कुल, और ये बिल्कुल जैसे बाहर राख वाली मिलती है बिल्कुल उस तरह होगा, बिल्कुल इसकी मिठास नहीं ख़त्म होती है, वरना लोग बॉयल कर लेते हैं उसमें सारी मिठास ख़त्म हो जाती है इसकी। इस तरह आप करके खाइएगा, मैं इसको आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका। ये अभी बहुत गर्म है तो फिर मैं इसके हल्के हल्के करके छिलका उतारती हूँ, बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये देखें, ये हमने इसको छील के इस तरह कर लिया है। अब मैं इस पे लीम चाट मसाला डालूंगी, ये बिल्कुल बाजारी स्टाइल में बनी है, आप जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और ये आप लीमू हसब जायका जितना भी आपको हो लीमू छिड़क लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।